खबर प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी के मामले में रेस्टोरेंट मालिक ने मंत्री के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे ने जिस तरह से विवाद किया उसका वीडियो भी आया था। अब इस मामले में नया मोड़ आया है, नई खबर मिल रही है। रेस्टोरेंट मालिक ने नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे पर आरोप लगाए हैं कि बिना वजह गुंडागर्दी की, सिर पर रॉड से मारा, हमला किया गया। मंत्री के बेटे के साथ मौजूद जितने भी उसके साथी थे वो सभी नशे में थे, ये रेस्टोरेंट मालिक का कहना है। मंत्री के बेटे ने हमें धमकी भी दी, रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि उसने हमें धमकी दी। आपको बता दें, भोपाल में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर, उनके नरेंद्र शिवाजी पटेल के एक बेटे पर आरोप है कि उसने इस तरह से विवाद किया और उसका वीडियो भी विवाद का सामने आया है। ये बड़ी खबर भोपाल में। हालांकि पुलिस ने दोनों ही पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज कर ली है और दोनों के शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई भी पुलिस अब जुड़ गई है। कार्रवाई में फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल पर यह आरोप है और अब रेस्टोरेंट संचालक ने बड़ा बयान दिया है।